हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ वंदना सती। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, कृषि विभाग में शीघ्र होगा महानिदेशक का पद सृजित, कैबिनेट में जल्द लाया जाएगा प्रस्ताव। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में सड़क पर अवैध रूप से बन रहे चंबर को हटाने गई लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ मारपीट, 10 हिरासत में। मौसम विभाग का 8 जुलाई तक देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दिए डेंगू नियंत्रण और रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट रहने के निर्देश। अब खबरें विस्तार से। अभी मॉनसून ने उत्तराखंड में दस्तक दी ही है कि राजधानी देहरादून की सड़कें पानी से जलमग्न हो गई हैं। शहर के नहर नालियां लबालब हैं और देहरादून स्मार्ट सिटी और नगर निगम की पोर खुलती हुई दिखाई दे रही है, जिससे आम जनमानस का सड़क पर चलना दुभर हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून, बागेश्वर, नैनीताल और चंपावत में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने 8 जुलाई तक प्रदेश के देहरादून समेत 4 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 5 तारीख है जुलाई की, और देख रहे हैं कि आज अच्छी बारिश जो है प्रदेश में मिल रही है और कल भी जो है जो एक्टिविटी वो अच्छी रहने वाली है प्रदेश में। 6 तारीख के लिए भी अगर बात करें तो ये 2 दिन अच्छी एक्टिविटी प्रदेश में दिख रही है, और इसमें विशेषकर अगर हैवी से वेरी हैवी रेन्स की बात करें तो हमारे देहरादून, टिहरी और पौड़ी जो डिस्ट्रिक्ट है, तो देहरादून से जो लगे हुए एरियाज हैं आपके टिहरी के और पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के, तो उनमें ज़्यादा संभावना इस तरह की एक्टिविटी की है, जो हैवी से वेरी हैवी रेन्स जो है आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है वो मिल जाएगी आज और कल में 2 दिन जो है। तो इन एरियाज को या इन डिस्ट्रिक्ट को जो है हम लोग ऑरेंज अलर्ट में जो है, ऑरेंज वार्निंग में जो है उसको रखा गया है, आज और कल के लिए रखेंगे। और जगह भी जो लाइट से मॉडरेट रेन और डिस्ट्रिक्ट में, तो वो तो ज़्यादातर जगहों में है ही है, और साथ में जो इंटेंस स्पेल भी मिल रही है तो वो भी चीज़ें देखने को मिल रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान हरिद्वार SSP श्री अजय ने कांवड़ियों से अपील की है कि सभी कांवड़िया सकुशल गंगा जल लेकर अपने जनपद को जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले कांवड़िया भी ये संकल्प ले ताकि आने वाले कांवड़ियों को दिक्कत ना हो। साथ ही उन्होंने कहा कि कांवड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें कि 7,000 कर्मचारी विभिन्न विभागों में लगे हुए हैं। इसके साथ ही ड्रोन से निगरानी भी रखी गई है ताकि कोई दिक्कत ना हो और सबकी मदद की जा सके। पहला जो संकल्प लिया गया है, जो सस्ता संकल्प है कांवड़ के लिए, जिसमें हमारे अभी 2,000 कर्मियों ने सफाई अभियान घाटों पर और मनसा देवी मंदिर मार्ग पर चलाया है, तो यही अपील है कांवड़ियों से, आए यहाँ सकुशल यात्रा करके अपने यहाँ से गंगा जल लेकर जाए अपने गंतव्य को, और एक स्वच्छता संकल्प भी साथ मिले कि जितना ज्यादा स्वच्छता हम यहाँ पर मेंटेन करें, जिससे कि आने वाले अन्य कांवड़ियों को यहाँ पर दिक्कत ना आए। तो ये तो अपील हमारे सभी कांवड़िये जो हमारे बंधु आ रहे हैं उन सभी से है। साथ ही साथ उनकी व्यवस्था के लिए हमने यहाँ पर 7,000 पुलिसकर्मी जो विभिन्न विभागों से भी लगे हैं, चाहे हमारे जल पुलिस हो, चाहे फायर की टीमें हो, चाहे BDS टीमें हो, साथ ही साथ जो है हमने ड्रोन से निगरानी भी रखी, कहीं कोई दिक्कत आती तत्काल मदद के लिए भी वहाँ पहुंच जाए। जैसे आज 2 कांवड़िये जो हमारे हरियाणा और दिल्ली के थे वो डूब रहे थे, उनको हमारी जल पुलिस ने उनको बचाया और उनको गंतव्य तक पहुंचाया। तो ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर, प्रशासन द्वारा भी जगह जगह कांवड़ पटरी पर व्यवस्थाएं की गई हैं, तो इन सबका लाभ भी उठाएं और साथ ही साथ स्वच्छता का जो संकल्प लिया गया इस बार कांवड़ पर उसका सहयोग करें। देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र में सड़क पर अवैध रूप से बने चैम्बर को हटाने गई लोक निर्माण विभाग की टीम के साथ एक कंपनी के ठेकेदार समेत कुछ लोगों ने मारपीट की। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज करके करीब 10 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पटेल नगर थाने के प्रभारी निरीक्षक सूर्य भूषण सिंह नेगी ने बताया कि लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के सहायक अभियंता अमित कुमार वर्मा ने तहरीर में बताया कि मंगलवार को हरिद्वार बाईपास पर ISBT से रिस्पना पुल तक अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। आरोप है कि ब्राह्मणवाला चौक के निकट एक कंपनी द्वारा अवैध चैम्बर बनाया गया था, जिसको विभाग की टीम ने हटा दिया। इस दौरान कंपनी के ठेकेदार और अन्य कर्मचारियों ने टीम के साथ अभद्रता की। विरोध करने पर टीम के साथ मारपीट और गाली गलौज की गई, जिसके बाद आरोपी ठेकेदार समेत करीब 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बुधवार सुबह जनपद हरिद्वार में कांगड़ा पुल के पास एक कांवड़िया गंगा नदी के किनारे नहाते समय अचानक अनियंत्रित होकर नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर डूबने लगा। कांगड़ा पुल पर पहले से ही मौजूद SDRF टीम के एक जवान आसिक अली द्वारा डूबते युवक को देखकर तत्काल प्रतिवादन करते हुए राफ्ट के माध्यम से युवक को सकुशल बाहर निकाला गया और उसके जीवन को सुरक्षित किया गया।
स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने डेंगू नियंत्रण और रोकथाम को लेकर स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिलों में बचाव और जागरूकता का विशेष अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने सख्त निर्देश दिए हैं कि डेंगू रोकथाम में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं 13 रेखीय विभाग भी डेंगू की मॉनिटरिंग करेंगे। मंत्री ने डेंगू संभावित क्षेत्रों में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, पौड़ी, नैनीताल के मैदानी क्षेत्रों में जन जागरूकता और बचाव के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसवानी ने भाजपा की सरकार पर भूमाफियाओं को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में भूमाफियाओं का आतंक कुछ इस प्रकार से है कि अब भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने भूमाफियाओं की शिकायत दर्ज की है। इससे पहले भी कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि सहजदारा रोड पर 6 बीघा जमीन प्राइवेट इंस्टीट्यूट द्वारा हड़प ली गई है और इसके बाद भी अगर सरकार कुछ नहीं करती तो ये माना जाएगा कि सरकार की मिलीभगत है और वो ऐसे मामलों को संरक्षण दे रही है। भाजपा राज में भूमाफियाओं के आतंक का ये आलम है कि अब खुद भाजपा के विधायक विनोद चमोली ने सरकारी भूमि के भूमाफियाओं के द्वारा खुटबुट किए जाने की तफसील से शिकायत की है। इससे पहले मेरे अध्यक्ष करण महाराज जी ने भी एक प्रेस वार्ता के जरिए सरकार को और मुख्यमंत्री जी को कैटेगोरिकली बताया था कि सहजधारा रोड में 6 बीघा जमीन एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा कब्जा ली गई है, जिसकी शिकायत आपके 7 बार के पार्षद अजय सिंगल ने पहले नगर निगम में की, उसके बाद RTI डाली, जब कुछ होता हुआ नहीं देखा तो उसे आयोग की शरण लेनी पड़ी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कुशल मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री धामी के सफल नेतृत्व में सरकार नियंत्रण किसानों की आय और उनके उत्पादों को दुगना करने के लिए प्रयासरत है। मंत्री ने कहा कि कृषि और उद्यान विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार करने हेतु सर्वप्रथम दोनों विभागों में दृष्टि पत्र तैयार कर अल्पकालिक और दीर्घकालिक उद्देश्य तय किए गए हैं। बाह्य सहायता परियोजना जायका बागवानी के समग्र विकास हेतु जापान के सहयोग से उत्तराखंड एकीकृत औद्योगिक विकास परियोजना के रूप में उद्यान विभाग के अंतर्गत 526 करोड़ की प्रथम बाह्य सहायता परियोजना स्वीकृत की गई है। इसका क्रियान्वयन जनपद टिहरी, उत्तरकाशी, नैनीताल और पिथौरागढ़ में किया जाएगा। इस क्षेत्र में हमारी सरकार देखनी कार्य कर रही है। जहां पूर्व में पिछले वर्ष मात्र 2 लाख सेब के पौधे लगाए गए थे, इस बार 1200,000 से अधिक सेब के पौधों का रोपण हमने किया है। जहां पिछले वर्ष कीवी के 93,000 पौधे लगाए गए थे, इस बार 212,000 लगाए गए। राज्य में मूल वाली फसलों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास निधि 1656 करोड़ रूपये कीवी हित योजना एक सूचित की जा गई, सापेक्ष 5 करोड़ रूपये मुक्त कर दिए। एप्पल मिशन में जहां 4 करोड़ रुपया पहले दिया जाता है, इस बार 35 करोड़ रुपया एकम मशीन के लिए हमने रखा है और 50,000 पॉली हाउस हमने बनाने जा रहे हैं, जिसमें नाबार्ड से 304.40 करोड़ हमने स्वीकृत कराए हैं। डोईवाला में मानसून और लगातार हो रही बारिश को लेकर डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन की बैठक का आयोजन किया गया। ब्लॉक प्रमुख भगवान सिंह पोखरियाल और उप जिलाधिकारी शैलेंद्र सिंह नेगी के साथ तमाम विभागों के अधिकारियों ने आपदा प्रबंधन को लेकर बैठक में आपदा और बाढ़ से निपटने के इंतजामों पर व्यापक चर्चा की। डोईवाला के विधायक ब्रजभूषण गैरोला और SDM शैलेंद्र सिंह नेगी ने बताया कि मानसून को लेकर डोईवाला का आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरीके से तैयार है। डोईवाला तहसील में आपदा कंट्रोल रूम स्थापित कर कर्मचारियों की तैयारी कर दी गई है, जबकि SDRF और पुलिस के साथ ही आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक यहाँ पर हमने रखी है और हमने SDM साहब को कहा था कि यहाँ पर आप आपदा प्रबंधन की बैठक रखिए, क्योंकि बरसात का सीजन शुरू हो गया है और सभी विभागों को यहाँ पर सभी हमारे पेयजल, PWD, सिंचाई, खाद्य विभाग, SDRF और हमारे एयरपोर्ट के अधिकारी, हमारे जितने भी सभी विभाग हैं, बिजली विभाग, सभी विभागों के अधिकारी आज यहाँ पे आए हैं और हमने आज इनकी पूरी बैठक की, इनकी समीक्षा करी है कि क्या क्या तैयारियाँ हैं और जो हमारे सेंसिटिव जोन हैं
उन सेंसिटिव जोनों में हमने सभी को कह दिया गया है कि वो अपनी फोर्स के साथ अपने सब तालमेल के साथ अपना खड़े रहे हैं, और कभी भी कोई आपदा की आती है, कहीं कोई पानी का फ्लड चढ़ता है, कहीं होता है, तो उसमें अभी से सुरक्षित स्थानों को चिन्हित कर लें। जहाँ जहाँ पे अगर हमें कोई नदी का सुसवा नदी है, अपना सौंग नदी है, जाखर नदी है, उसके किनारे रहने वाली जो भी हमारी बसावटें हैं, आबादी क्षेत्र है, उनको सचेत रहने के लिए कह दिया गया है। और इस प्रकार का अनाउंस कर दिया कराने का कहा गया है कि जो नदी किनारे लोग हैं वहाँ पर वो सचेत रहें। अब बात करते हैं खेल जगत की खबरों की। भारत ने सेफ चैंपियनशिप 2023 का फाइनल मुकाबला जीत लिया है। भारतीय फुटबॉल टीम ने पेनल्टी शूटआउट में कुवैत को हराकर सेफ चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में शानदार जीत अर्जित की है। आपको बता दें कि भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 5-4 से मुकाबले को अपने नाम किया। भारत में लगातार दूसरी बार और कुल 9वीं बार सेफ चैंपियनशिप अपने नाम की है। आपको बता दें कि निर्धारित समय में दोनों ही टीमों ने एक एक गोल के साथ बराबरी की थी, जिसके बाद पेनल्टी शूटआउट में भारत ने शानदार जीत दर्ज की, टूर्नामेंट को अपने नाम किया। वहीं गोल्डन बूट का अवार्ड भारतीय कप्तान सुनील छेत्री को टूर्नामेंट मैच से गोल दागने के लिए दिया गया। बहरहाल सोशल मीडिया पर भारत के कप्तान सुनील छेत्री ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल सुनील छेत्री ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार खेल का नजारा पेश किया। बारबाडोस में अभ्यास के दौरान मंगलवार को टीम से मिलने एक पूर्व क्रिकेटर पहुंचा। जब वह खेलते थे तब वेस्ट इंडीज अपने सर्वश्रेष्ठ दौर में थी, उसे हराना अन्य टीमों के लिए सपना था। जी हां, हम बात कर रहे हैं गैरी सोबर्स की, जो गेंदबाजी, बल्लेबाजी और फील्डिंग सभी में बेस्ट थे। उन्हें टॉप ऑलराउंडर्स में गिना जाता है। उन्हें देख टीम इंडिया काफ़ी खुश नजर आ रही थी। उन्होंने 1954 से लेकर 1974 तक वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के लिए क्रिकेट खेला। सोबर्स एक शानदार गेंदबाज थे, वे अग्रेसिव बल्लेबाज और कमाल के फील्डर थे। उस समय टेस्ट क्रिकेट ही अधिक खेला जाता था। उन्होंने वेस्ट इंडीज के लिए एकमात्र वनडे मैच खेला। सोबर्स ने 93 अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 8032 रन बनाए और 235 विकेट चटकाए हैं। एक नज़र बॉलीवुड की दुनिया पर। बॉलीवुड में बादशाह के नाम से मशहूर शाहरुख खान यूएस में एक्सीडेंट के बाद मुंबई लौट आए हैं। उन्हें मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। किंग खान को एयरपोर्ट पर देखकर उनके फैंस काफी खुश नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि शाहरुख खान लॉस एंजेलिस में शूटिंग कर रहे थे, इसी दौरान उन्हें चोट लग गई और आनंद फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया। एक्टर अपनी अपकमिंग फिल्म की विदेश में शूटिंग कर रहे हैं, इसी बीच वो दुर्घटना के शिकार हो गए। एक्शन सीन के दौरान उनकी नाक में चोट लग गई है और उनकी नाक से खून निकलने लगा, जिस दौरान उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। वहां पर खून को रोकने के लिए उनकी एक छोटी सी माइनर सर्जरी भी की गई है। अपने अतरंगी फैशन सेंस को लेकर सोशल मीडिया पर धमाल मचाने वाले उर्फी जावेद एक बार फिर सुर्खियों का हिस्सा बनी हुई है। दरअसल हर बार कपड़ों के लिए ट्रोल होने वाली उर्फी जब इस बार मीडिया के सामने आई तो देखने वालों की आंखें खुली ही खुली रह गई। उर्फी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कोई अटपटी या छोटी ड्रेस नहीं बल्कि पाकिस्तानी सूट पहनकर अपनी गाड़ी से उतरती हुई नजर आई। पाकिस्तानी आउटफिट में उर्फी काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं कुछ लोगों ने कहा कि आज लोग बहुत खुश होंगे। तो खबरों का सिलसिला यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।